हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 26। पिछले सारे सेशंस आप देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वोकैबुलरी न्यू 2024 के नाम से, वहां से जाके और आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही इसका स्क्रीन पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिविजन करते हैं कुछ वर्ड्स का। तो एक्सपंज एक वर्ड है, एक्सपंज वर्ब है, इसका मतलब होता है रिमूव या ऑब्लिटरेट। ये पिछले सेशन में ही हमने डिस्कस किया हुआ वर्ड है, या तो रिमूव या ऑब्लिटरेट, हटाना। दूसरा शब्द एपैथी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है इंडिफरेंस, उदासीनता को बोलते हैं, या इसे हम कहेंगे लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उदासीनता या फिर रुचि की कमी। रिकॉन्सिलिएशन है, इसका मतलब होता है रीयूनियन कह सकते हो, पुनर्मिलन, रीयूनाइटिंग कह सकते हो, है ना। इसका मतलब है जो भी आपके बीच में झगड़े वगैरह हैं उन सबको सुलह में तब्दील कर देना, सुलह करना। ये नाउन है, TION एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं। आर्ग्युएबली एडवर्ब है, इसका मतलब पॉसिबली होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं पोटेंशियली, संभवतया, ठीक है, संभवतया। और ये जो है सिमुलेट है, वो एक वर्ब है, इसका मतलब इमिटेट करना है, नकल करना है, इमिटेट करना, कॉपी करना, फॉलो करना, है ना, अनुकरण करना, पीछा करना, ये सब इसका मतलब है। ये तो थे पिछले सेशंस के कुछ वर्ड्स जो हमने रिवाइज कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम नए 10 वर्ड्स सीखेंगे। दोस्तों अभी तक हमने 25 सेशंस डिस्कस किए हैं, 25 सेशंस में 250 वर्ड्स तो होंगे ही, लेकिन साथ में सिनोनिम्स अगर आप काउंट करेंगे तो 400 450 के पार ये चीज़ें जाएंगी। 400 450 वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आपने अच्छे से मेरे साथ साथ याद किए हैं, हर दिन सेशन को देखा है, रिवाइज़ किया है, तो फिर आपको याद होंगे। एकदम से एक साथ देखोगे तो याद नहीं होंगे। तो अगर आप अभी जुड़े हैं तो एक नंबर सेशन से देखना स्टार्ट करें, आपको चीज़ें याद आती जाएंगी। रिकॉल करते जाइए, रेगुलर इंटरवल पर रिविजन ज़रूर करिए। पहला यहाँ पे हमें डिस्कस करना है थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल। ये दोस्तों एक फ्रेज है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। इसका मतलब होता है एडमिट डिफीट, हार स्वीकार करना। क्या मतलब होता है? एडमिट डिफीट, हार स्वीकार करना, या फिर अबेंडन स्ट्रगलिंग, मतलब संघर्ष करना छोड़ देना, हार स्वीकार कर लेना, संघर्ष करना छोड़ देना, ये इसका मतलब है। एडमिट डिफीट कह सकते हो, या अबेंडन स्ट्रगलिंग कह सकते हो, हार स्वीकार करना कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, संघर्ष करना छोड़ देना। क्या मतलब है? देखो, देयर आर टाइम्स व्हेन द डिफिकल्टीज अपीयर टू ग्रेट, बहुत ऐसे समय आते हैं जब मुश्किलें ऐसा लगती हैं कि बहुत बड़ी हैं, एंड वी जस्ट थ्रो इन द टॉवल, और हम लोग क्या करते हैं, संघर्ष करना छोड़ देते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं। थ्रो इन द टॉवल का मतलब हो गया हार स्वीकार करना, मीन्स एडमिट डिफीट या अबेंडन स्ट्रगलिंग। नेक्स्ट वर्ड हमें डिस्कस करना है डिसकॉन्सोलेट, डिसकॉन्सोलेट की वर्ड कैटेगरी है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि आगे आपको नाउन दे रखा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, और इसका मतलब होता है सैड, अनहैप्पी, या इसे कहेंगे डाउनकास्ट, हताश, निराश, दुखी, दुखी कह सकते हो, हताश कह सकते हो, निराश कह सकते हो, ये सब इसके मतलब होते हैं। क्या कह रहा था रहा? द डिसकॉन्सोलेट प्लेयर्स, वो प्लेयर्स, वो खिलाड़ी जो दुखी हैं, लेफ्ट फॉर होम, वो घर के लिए निकल पड़े विदाउट ए ट्रॉफी, बिना ट्रॉफी लिए, ठीक है, बिना ट्रॉफी लिए वो लोग घर पे, घर की ओर निकल पड़े, वो प्लेयर्स की बात है जो दुखी थे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेडिलेक्शन, याद रखिए प्रेडिलेक्शन में फोर लगेगा, है ना, प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन वर्ड कैटेगरी है वो नाउन है, इसकी TION एंडिंग वर्ड है, इसका मतलब होता है लाइकिंग, या इसे हम कहते हैं पेंचेंट, या इसे हम कहते हैं प्रेफरेंस, हिंदी में इसको कहेंगे पसंदगी। किसी चीज को लेकर अगर आपकी पसंद है तो उसको पसंदगी को बोलेंगे क्या, प्रेडिलेक्शन। एवर सिंस शी वॉज ए चाइल्ड, जब से वो बच्ची थी, तभी से शी हैज हैड अ प्रेडिलेक्शन फॉर स्पाइसी फूड, उसकी पसंद रही है क्या, मसालेदार भोजन, स्पाइसी फूड के प्रति उसकी लाइकिंग रही है,
इन सब के साथ में फोर लगेगा, याद रखिए, चाहे लाइकिंग हो चाहे पेंशेंट हो, है ना, इन सब में फोर का प्रयोग हम करते हैं। प्रेडिलेक्शन का मतलब है पसंदगी, लाइकिंग, पेंशेंट, प्रेफरेंस। नेक्स्ट है एफिजी। एफिजी की वर्ड कैटेगरी दिख ही रहा होगा आपको, नाउन है क्योंकि डिटरमिनर के बाद दे रखा है, तो ये नाउन है। इसका मतलब होता है डमी, या इसे कहते हैं मॉडल, पुतला होता है उसको बोलते हैं पुतला, पुतला समझते ही हो आप, डमी या मॉडल कह सकते हो, है ना, स्टैचू भी हो सकती है, पुतला मूर्ति एक प्रकार से, लेकिन डमी सबसे एग्जैक्ट इसका सिनोनिम है। द डेमोन्स्ट्रेटर्स, जो प्रदर्शनकारी थे, इसका मतलब क्या होता है, प्रदर्शनकारी, जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने बर्न किया, बर्न क्या मतलब जलाया, किसको, पुतले को, पुतला किसका, प्रेसिडेंट का, ठीक है, प्रेसिडेंट का पुतला उन्होंने जलाया, ये मतलब है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डमी, मॉडल और स्टैच्यू। नेक्स्ट है पुशी। पुशी जो है वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वुमन का विशेषता बता रहे हैं दो एडवर्ब्स यहां पे, यंग और पुशी दोनों। इसका मतलब है अग्रेसिव, आक्रामक, बोल्ड, बहुत ज्यादा जो जीलस हो, बहुत ज्यादा उत्साहित हो, है ना, आक्रामक ही होते हैं ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा इसमें उत्साह हो, तो आक्रामक इसका सिनोनिम मतलब हो गया, हिंदी में फोर्सफुल भी कह सकते हो, अग्रेसिव, बोल्ड, जीलस और फोर्सफुल, अग्रेसिव, बोल्ड, जीलस और फोर्सफुल, क्या होता है, आक्रामक। क्या मतलब है, देखो, शी वॉज अ कॉन्फिडेंट एंड पुशी यंग वुमेन, वह बहुत ही आत्मविश्वास से परिपूर्ण भरी हुई और ऐसी युवती थी जो कि आक्रामक थी, ठीक है, तो आक्रामक के लिए यूज करते हैं, अग्रेसिव, बोल्ड, जीलस और फोर्सफुल। नेक्स्ट है पॉप आउट। ये फ्रेजल वर्ब हो गई, क्योंकि वर्ब के साथ में हमने एडवर्ब या प्रेपेशन जोड़ा होता है तो उसको फ्रेजल वर्ब नाम देते हैं। इसका मतलब होता है बल्ज, प्रोट्रूड या कम आउट, बाहर निकलना, बाहर आना, बाहर निकलना, बल्ज, प्रोट्रूड, कम आउट। हर आईज नियरली पॉप्ड आउट ओवर हेड इन सरप्राइज, उसकी आंखें अचंभित होकर या आश्चर्य में सर से बाहर निकल गई, लगभग ऐसा लगा कि आंखें बाहर निकल आई हैं। अचंभित जो व्यक्ति होता है और उस समय की जो मुद्रा है उसके लिए ये बताया गया है, बाहर निकलना, ठीक है। नेक्स्ट है लैश आउट, ये भी फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि वही वर्ब के बाद में अगर हम कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब जोड़ते हैं तो उसे फ्रेजल वर्ब नाम देते हैं। इसका मतलब होता है फल्मिनेट, फल्मिनेट, या क्या कहोगे, क्रिटिसाइज, या क्या कहोगे, चेस्टाइज, आलोचना करना, डांटना। साइड भी कह सकते हो, चेस्टाइज की स्पेलिंग जेड ई भी आ सकता है ना, क्रिटिसाइज में एस ई भी आ सकता है, एक ही बात है। फल्मिनेट, क्रिटिसाइज, चेस्टाइज या चाइल्ड। शी रियली लैश्ड आउट एट मी, वो लगभग मतलब मेरे पर चिल्ला उठी, या फिर कहें उसने मुझे आलोचना किया, डांटा। व्हेन आई वाज लेट फॉर वर्क, जब मैं काम के लिए देरी मुझे हो गई थी, जब मैं देरी से गया था तब, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल की वर्ड कैटेगरी है वर्ब, क्योंकि ईडी लग रहा है, सेकेंड फॉर्म दे रखी है। ट्रैम्पल का मतलब होता है क्रश या स्टैम्प या स्क्वॉश, हिंदी में इसको बोलेंगे कुचलना, क्या बोलेंगे, कुचलना, क्रश, स्टैम्प, स्क्वॉश, कुचलना। द बॉयज ट्रैम्पल्ड ऑन द फ्लावर्स, लड़के जो हैं वो फ्लावर्स उन्होंने कुचल दिए, है ना, लड़के फ्लावर्स पर चले और उन्होंने कुचल दिया, तो क्रश, स्टैम्प या स्क्वॉश इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट है स्मैश, ये वर्ब है, वर्ब क्यों है, शी ड्रॉप्ड हर कप, उसने अपना कप ड्रॉप कर दिया और उसको देखा क्या करते हुए, तो
तो वॉच के बाद बेस फॉर्म लग रखी है, वी जीरो लग रखा है ये, है ना, स्मैश, इसका मतलब होता है ब्रेक, टूटना, तोड़ना, टूटना या तोड़ना क्या होता है, स्मैश, ठीक है। इसके लिए एक शटर भी वर्ड होता है, SHATER, शटर या ब्रेक। तो शी ड्रॉप्ड हर कप, उसने अपना कप ड्रॉप किया, मतलब अपने हाथ से छूट गया, और उसको देखा टूटते हुए टुकड़ों में टूटते हुए उसको देखा। अगला है विम, विम नाउन है क्योंकि डिटरमिनर ए के बाद दे रखा है, इसका मतलब होता है कैप्रिस, मतलब धुन हो सकती है, सनक हो सकती है, चंचलता हो सकती है, है ना, कैप्रिस इसको बोलते हैं, विम को। एक और सिनोनिम बता दूं इसका मैं आपको, इंपल्स, आवेग, अचानक से जो आवेग उठता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कैप्रिस, विम। वी बुक द ट्रिप ऑन अ विम, हमने सनक में आकर या फिर एक आवेग सा आया, मन में बस एक विचार आया, हमने ट्रिप बुक कर ली, यात्रा के लिए बुकिंग करवा दी, ठीक है। ये थे आज के वर्ड्स, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक्सपंज है, ये रिमूव या ऑब्लिटरेट होता है, वर्ब है, हटाना को बोलते हैं। फिर एपैथी है, नाउन है, लैक ऑफ इंटरेस्ट या इनडिफरेंस को बोलते हैं, उदासीनता। रिकॉन्सिलिएशन नाउन है, इसका मतलब रीयूनियन या रीयूनाइटिंग होता है। आर्ग्यूएबली, पोटेंशियली या पॉसिबली, एडवर्ब है, संभवतया। सिमुलेट, इमिटेट, फॉलो, है ना, कॉपी, नकल करना, अनुकरण करना। फिर पहला शब्द हमने देखा थ्रो इन द टॉवल, जो एक फ्रेज है, इसका मतलब एडमिट डिफीट या फिर अबैंडन स्ट्रगलिंग, संघर्ष छोड़ देना या हार मान लेना। डिसकॉन्सोलेट है, वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब है सैड या डाउनकास्ट, है ना, या डिप्रेस्ड भी कह सकते हो, मतलब हताश हो, निराश हो, ग्लूमी हो, डिजमल हो, बहुत सारे हो सकते हैं, तो डाउनकास्ट कह दो, या डिस्ट्रेस्ड कह दो, या डिसअपॉइंटेड कह दो, या सैड कह दो, ये सब। फिर अगला शब्द प्रेडिलेक्शन, इसमें फोर लगता है, ये बताया मैंने आपको। पेंचेंट, लाइकिंग या प्रेफरेंस इसके सिनोनिम्स होते हैं, उन सभी में भी फोर लगेगा, पसंदगी को बोलते हैं। अगला शब्द है एफिजी, एफिजी पुतला होता है, तो डमी होता है, मॉडल होता है या स्टैच्यू होता है, है ना, नाउन है। फिर नेक्स्ट वर्ड पुशी, ये अग्रेसिव होता है या फिर फोर्सफुल कह सकते हो, या फिर इसको जीलस कह सकते हो, बहुत ज़्यादा उत्साह से भरपूर हो, है ना, या फिर बोल्ड कह सकते हो, आक्रामक। फिर नेक्स्ट है पॉप आउट, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब बल्ज है, प्रोट्रूड है, या कम आउट है, बाहर निकलना। लैश आउट भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब फल्मिनेट है, क्रिटिसाइज है, चेस्टाइज है, चाइड है, डांटना, आलोचना करना, ये सब। फिर नेक्स्ट है ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का कोश होता है, स्टैम्प होता है, क्रश होता है, कुचलना, वर्ब है। अगला शब्द है स्मैश, ब्रेक कह सकते हो, है ना, तोड़ना, शटर कह सकते हो। फिर लास्ट वर्ड है विम, विम का या तो आप कह सकते हो कैप्रिस, है ना, और या फिर इम्पल्स कह सकते हो, ठीक है। आवेग को बोलते हैं हम क्या, कैप्रिस, तो विम हो या इम्पल्स हो या कैप्रिस हो, ये सब मतलब है, और ये क्या है, नाउन है। ये था दोस्तों सेशन नंबर 26, मुलाकात होगी सेशन नंबर 27 के थ्रू कल ठीक शाम 5:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।